ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है वैष्णो देवी धाम की। यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन क्या करें, दर्शन एवं महात्म्य क्या है, समय कितने लगेंगे एवं क्या खर्चा आएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रभु जी, स्वागत है आप सभी का शिवा यात्रा दर्शन में। प्रेम से कहिए जय माता दी। आप यहां साल भर आ सकते हैं, किंतु सर्दियों के समय में नवरात्रि आती है। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं का भारी भीड़ देखा जाता है। यहाँ पर पूरा 10 दिन तक एक मेला के जैसा स्थिति होता है प्रभु जी, परंतु दर्शन में 1 से 2 दिन भी लग सकता है। आप इसका ख्याल अवश्य रखें एवं सर्दियों में अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लाएं। यदि आप वायु मार्ग से आते हैं तो इसकी नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू है, जहां से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, बस एवं टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। यदि आप रेल के द्वारा आते हैं तो कटरा इसका अपना रेलवे स्टेशन है और यहां से बस स्टैंड की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाती है प्रभु जी, जिसे आप ऑटो के द्वारा 10 मिनट में तय कर सकते हैं और यह आपसे ₹50 चार्ज करता है। और यदि आप कटरा सीधा नहीं पहुंच पाते हैं ट्रेन के द्वारा, तो आप जम्मू तवी आ जाइए। जम्मू तवी लगभग भारतवर्ष के हर कोने से जुड़ा हुआ है और यहां से कटरा आने के लिए आप ट्रेन, बस एवं टैक्सी भी ले सकते हैं प्रभु जी। बात बस की करें तो बस दिल्ली, पंजाब तथा हिमाचल एवं हरियाणा से रेगुलर सेवाओं से जुड़ा हुआ है प्रभु जी। अब आप आ चुके हैं, आप एक बार कटरा बस स्टैंड, आप कहीं से भी आए पहले आपको कटरा बस स्टैंड आना है। कटरा बस स्टैंड पे ही ठहरने का सभी इंतजाम है, तो आप सर्वप्रथम अपने ठहरने का इंतजाम कर लीजिए। ठहरने का इंतजाम क्या होगा प्रभु जी, बस स्टैंड के पास ही ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है, जैसे निहारिका भवन, शक्ति भवन, त्रिकुटा भवन, आशीर्वाद भवन इत्यादि। इन सब में डोरमेट्री भी होता है जो ₹150 से ₹200 में मिल जाता है प्रभु जी। यदि आप कमरे बुक करें तो यह 800, 1000, 2000 से लेकर ₹3000 तक की कमरा यहां पर मिलता है। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो होटल 1000 से लेकर ₹3000 तक में उपलब्ध होता है। यदि आप कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो आप कटरा रेलवे स्टेशन पे IRCTC का रूम उपलब्ध होता है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। ये तो हो गई ठहरने की बात प्रभु जी। ठहरने से पहले आपको यात्रा पर्ची बनवाना होगा दर्शन के लिए, जिसे RFID कार्ड भी कहा जाता है। यह बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, त्रिकुटा भवन पे, निहारिका भवन पे, आप कहीं भी इसे बना सकते हैं प्रभु जी, और यह प्रत्येक यात्री के लिए अनिवार्य है। अब बात करें सिम की, तो यहां सिर्फ पोस्टपेड सिम ही चलता है। यदि आपके पास प्रीपेड है तो आप कृपया यहां सिम ले सकते हैं, जिसकी कीमत ₹300 से ₹400 होता है। अगर बात नेटवर्क चलने की कहें तो यह जियो का नेटवर्क वहां पर बहुत अच्छा है प्रभु जी। अब खाना क्या खाएं? खाना के लिए बस स्टैंड के थोड़ा सा ही आगे गुलशन कुमार का लंगर चलता है, आप यहां पर फ्री में लंगर खा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप होटल में भी भोजन कर सकते हैं। यहां ₹100 से ₹150 में आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाता है प्रभु जी। चलिए, यहां पर ठहरना हो गया, भोजन हो गया, अब हम यात्रा की प्लानिंग करते हैं, चलने की शुरुआत करते हैं प्रभु जी। यह यात्रा 13 किलोमीटर की दूरी है, जिसे आप पैदल, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर इत्यादि से तय कर सकते हैं। और इसके लिए मार्ग दो है, नया मार्ग जिसे ताराकोट मार्ग भी कहा जाता है, एवं पारंपरिक मार्ग, जिस मार्ग से घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी सभी जाते हैं। और यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इसका किराया ₹2000 से ₹4000 तक होता है प्रभु जी। यह आप ऑनलाइन ही टिकट कटवा लीजिए। यह टिकट आपको ऑफलाइन में अगर करना चाहें तो निहारिका भवन
में भी ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन टिकट ही करवाइए। ये हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पे उतारती है और वहां से भवन की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर होता है। घोड़ा खच्चर की बात करें तो यह 1800 रुपये लेता है प्रभु जी आने एवं जाने का, तथा यदि पालकी की बात करें तो यह लगभग 4500 रुपये लेता है प्रभु जी। इसके लिए आपको थोड़ा मोल भाव भी करना होगा यदि आप ऑफलाइन करते हो तो, और यदि आप ट्रस्ट के द्वारा बुक करते हैं तो यहाँ फिक्स प्राइस है जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। आज हम यात्रा करने वाले हैं नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग से, तो चलिए प्रभु जी जय माता दी का नाम लेते हुए हम अपनी यात्रा पैदल शुरू करते हैं। बस स्टैंड से दर्शनी दरवाजा 2 किलोमीटर की दूरी है, जिसे आप पैदल भी तय कर सकते हैं या ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 50 रुपये का चार्ज करता है। यहाँ पर चेकिंग होता है, थोड़ी ही दूर पे गुलशन कुमार का भंडारा है, आप यहाँ भंडारा खाइए, तथा यहीं से 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, एक पारंपरिक मार्ग तथा दूसरा ताराकोट मार्ग। हम ताराकोट मार्ग से जाने वाले हैं प्रभु जी। ताराकोट मार्ग पे चलते हुए ये बहुत ही साफ सुथरा एवं कम भीड़ भाड़ वाला जगह है, बहुत ही ज्यादा हरियाली। चलते हुए 3 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद लंगर स्थान आता है जो कि ट्रस्ट द्वारा संचालित है। आप यहाँ पे लंगर अवश्य खाएं, बहुत ही साफ बहुत ही सुंदर खाना, बहुत ही हाइजीनिक एवं स्वादिष्ट मिलता है। खाने के बाद आप अपनी बर्तन को धुलाई करके ही रखिए, और यहाँ पर डिस्पेंसरी भी है एवं बहुत ही दर्शनीय स्थल जैसा भी यह जगह है। यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी जगह है। अगली 4 किलोमीटर पार करने के बाद प्रभु जी अर्धकुमारी आता है। अर्धकुमारी पे आप अपनी नंबर लगा लीजिए, क्योंकि दर्शन यहाँ अमूमन 24 घंटे से पहले नहीं मिलता है, अतः आप नंबर लगाइए, रिफ्रेशमेंट ब्रेक कीजिए। यहाँ खाने पीने को ट्रस्ट का सब कुछ है, यदि आप रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। यहाँ होटल, यहाँ धर्मशाला, यहाँ प्राइवेट होटल सब कुछ अवेलेबल है, डिस्पेंसरी भी है। मैं सलाह दूंगा आपको, आप यहाँ रिफ्रेशमेंट कीजिए, आप अपनी पर्ची कटवा लीजिए और आप आगे भवन के लिए निकल जाइए। यहाँ से भवन की दूरी 6 किलोमीटर है, और जब आप भवन पे पहुंच जाते हैं, यदि आपने कमरा बुक करा रखी है जो कि ऑनलाइन ही बुक कराना होता है प्रभु जी ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट का अगर आप रूम चाहते हैं तो 2 से 2.5 महीने पहले ही आप बुकिंग करवा लें, अन्यथा ऑफलाइन नहीं मिलता है, आप प्राइवेट में बुकिंग करा लीजिए। अगर आपको कमरा नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहाने के लिए सार्वजनिक बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉकर में आप अपने सारे सामान जमा करवा सकते हैं, और यदि आपने गेस्ट हाउस लिया हुआ है तो आप स्नान भी वहीं कर लीजिए, आप अपने बैग वहीं छोड़ दीजिए, फोन जमा कर लीजिए, जूते जमा कर लीजिए, चमड़े का सामान जमा कर दीजिए, बैग इत्यादि सब वहीं जमा कर दीजिए प्रभु जी। अगर गेस्ट हाउस में नहीं है तो ये सारी चीज लॉकर में जमा कर दीजिए, और इसकी चाबी अपने पास अवश्य रखिए। आप जब तक दर्शन करते हैं प्रभु जी, हम आपको मंदिर की महात्मा सुना देते हैं। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ी पर रेसाई जिले में स्थित है प्रभु जी। इस मंदिर में माता के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। यहां महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली के रूप में दर्शन देती है माता जी। मंदिर की देखरेख के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड गठित किया गया है। इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा 1988 में किया गया था प्रभु जी। मंदिर वस्तुतः एक प्रकार से प्राकृतिक गुफा है एवं वहां पिंडी प्राकृतिक रूप में विराजमान है। यहां साल भर समूचे भारत से श्रद्धालु आते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद भी इस मंदिर का दर्शन करने को आए थे प्रभु जी। इसकी ऊंचाई 5200 फुट है। महाभारत काल में भी देवी पूजा का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। ऋग्वेद में त्रिकुटा पहाड़ी का भी उल्लेख किया जाता है। त्रिकुटा पर्वत के बगल में ही
पांच चट्टान है जिसे कि पांडव का प्रतीक माना जाता है, और यह सिर्फ नवरात्रि में कुछ सीमित श्रद्धालुओं के लिए ही खोला जाता है। प्रभु जी, एक प्रचलित कथा है कि भैरव बाबा ने माँ वैष्णो को पाना चाहा, तब माँ इससे बचने के लिए भागने लगी। कुछ दूर भागने के बाद पीछे मुड़कर देखा, जहां वो मुड़कर देखी उस जगह पे माता जी के पद चिन्ह स्थापित हो गए। फिर आगे जाने के बाद वो गुफा में छुप गई और वहां तक 9 महीने तक वास करी। उस जगह को ही अर्धकुमारी कहते हैं। 9 महीने तक गुफा में छुपने के कारण उस जगह का नाम गर्भ गुफा भी पड़ गया। प्रभु जी, बाद में माता जी गुफा से बाहर निकलकर भैरव का सिर तलवार से काट देते हैं, और उसका सिर जिस ऊंची पहाड़ी पर गिरा उस पहाड़ी पर ही भैरव बाबा का स्थान है अभी। और कहा जाता है कि यदि आप भैरव बाबा का दर्शन ना करें तो यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अतः प्रभु जी, भैरव बाबा का भी दर्शन अवश्य कीजिए। दर्शन के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी RFID कार्ड यहां पे स्कैन कराने होते हैं। मंदिर के दर्शन का समय प्रभु जी 24/7 है, यानी 24 घंटे 7 दिन खुला होता है मंदिर। आप सिर्फ आरती का ख्याल रखें। आरती दिन में 4 बार होता है प्रभु जी, सुबह 6 बजे, सुबह के 7 बजे एवं दोपहर के 1 बजे तथा संध्या के 7 बजे। प्रभु जी, आप इन आरतियों में भी शामिल हो सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बात प्रसाद की करें तो आप प्रसाद ट्रस्ट का भी ले सकते हैं या बाहर से ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। प्रभु जी, आप गेट नंबर 3 पे लाइन में लग जाइए। जय माता दी का जयकारा लगाते हुए आप लाइन में 2-3 घंटे लगेंगे। इसके बाद आपको मंदिर के गुफा के पास पहुंच जाएंगे। यहां पर धीरे धीरे चलते रहिए। जो आपने प्रसाद लिया था उसका नारियल आपको रास्ते में ही जमा कर लिया जाएगा, उसके बदले में एक टोकन मिल जाता है, इसे आप संभाल के रखिए। गुफा में प्रवेश करते हुए प्रभु जी आप शांति बनाए रखें, मन में ही जय माता दी का नारा लगाइए, आप अपनी मन्नत मांगिए। अब आप सामने माता जी के खड़े हैं, माता जी के साक्षात पिंडी रूप में दर्शन होता है। प्रभु जी, माँ काली, माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। यह बहुत कम समय मिलता है आपको, अतः आप पहले से ही अपने नयन बनाए रखिए माता जी के इस पिंडी रूप पे। दर्शन करके मत्था टेक के आप बाहर निकलते हैं। प्रभु जी, बाहर आते हुए ही आप चरणामृत जरूर पीजिए और अपने माथे पे लगाइए। अब बाहर आते हुए गेट नंबर 5 के पास ही वहां पर आपको उस टोकन के बदले में प्रसाद देता है, नारियल देता है, वह आप जरूर लीजिए प्रभु जी। तथा कुछ सीढ़ी नीचे उतरने के बाद शिव जी का लिंग है, उस शिवलिंग को जरूर दर्शन कीजिए। तथा कुछ सीढ़ी पुनः ऊपर चढ़ने पे हनुमान जी तथा राम सीता जी के दर्शन होते हैं। अब आप थोड़े थक गए होंगे, यहां रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले सकते हैं। इसके लिए ट्रस्ट का रेस्टोरेंट या भोजनालय है, प्राइवेट भोजनालय भी है, आप वहां भी कर सकते हैं। सागर, रत्ना इत्यादि वहां पे उपलब्ध है, आप इसकी सेवा ले सकते हैं प्रभु जी। अब आप चाहें तो रात्रि भवन पे विश्राम कर सकते हैं, या आपके पास समय है तो आप ऊपर भैरव बाबा पे जा सकते हैं। भैरव बाबा पे दर्शन मंदिर का समय का जरूर ख्याल रखें प्रभु जी, यह सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एवं संध्या के 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक होता है, आप इसका ख्याल अवश्य रखें। यदि आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो यह सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी है, इसे आप 3 प्रकार से तय कर सकते हैं। पैदल तय कर सकते हैं जो कि 1 घंटे का समय लगता है, आप चाहे तो घोड़े से जा सकते हैं जिसके लिए 20 मिनट का समय लगता है और यह आपसे 400 रुपये चार्ज करता है, और आप चाहें तो रोप वे से जा सकते हैं जिसके लिए सिर्फ 100 रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। प्रभु जी, रोप वे का समय है सुबह 8 बजे से संध्या के 6 बजे तक, आप इन्हें भी अवश्य ख्याल रखें यदि आप सेवा लेते हैं इसका। तो चलिए अब भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। जूता आप बाहर रख दीजिए, प्रसाद ट्रस्ट का या प्राइवेट कोई सा भी ले सकते हैं।
कुछ सीढ़ियां ऊपर चल के बाबा जी का दर्शन कीजिए, वहां अगरबत्ती जलाइए और बाबा जी से आशीर्वाद लेते हुए आप नीचे नीचे आ जाइए तथा घर आते हुए वहां से विभूति लाना मत भूलिए प्रभु जी, यह ऊपरी किसी बाधा में बहुत काम आता है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद आप वहां रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले सकते हैं, वहां भी ट्रस्ट का भोजनालय है, आप चाहे तो भोजन कर सकते हैं। उसके उपरांत आप पुराने रास्ते से नीचे आना शुरू कीजिए प्रभु जी, 2 से 3 घंटे लगेगा नीचे आने में। रास्ते में पुनः अर्धकुमारी आएगा, आप अर्धकुमारी में अपनी नंबर का इंतजार कीजिए, या नंबर आ गया है तो आप दर्शन के लिए जाइए। यदि लंबा समय है तो आप यहाँ पर अपनी ठहरने की व्यवस्था कीजिए, आप कंबल यहाँ से ले सकते हैं, प्रति कंबल 100 रुपये जमा करना होता है। जब आप कंबल वापस देते हैं तो यह आपको 100 रुपये वापस कर दिया जाता है प्रभु जी। आप चाहें तो दर्शन के लिए जब अंदर जाएं तो यहां कम से कम 2 से 3 घंटे लगता है दर्शन में। यहां रेंग कर एवं लेट कर माता जी के उस गर्भ गुफा में दर्शन करने होते हैं, बहुत ही फलदायी। और कहते हैं कि जो भी इस यात्रा को कर लेता है वो जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है प्रभु जी, अतः इसे आप अपने जीवन में एक बार अवश्य कीजिएगा। वहां से बाहर निकलने पे आप ऊपर और भी मूर्ति हैं, और भी प्रतिमाएं, आप उनका भी दर्शन कीजिए तथा यहाँ कुछ नाश्ता पानी करने के बाद आप नीचे को उतर सकते हैं। नीचे उतरने के रास्ते में जब कुछ दूर आप चलेंगे तो चरण पादुका आता है प्रभु जी, यह वही चरण पादुका है जहां माता जी ने थोड़ी देर खड़े होकर पीछे भैरव बाबा के लिए देखा था, तो माता जी का चरण चिन्ह बन चुका था यहाँ पे। आप इस भव्य मंदिर को दर्शन कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए चरण पादुका के, एवं कुछ देर आगे चलेंगे तो गीता मंदिर आता है, आप वहां भी दर्शन कीजिए। थोड़ी और आगे चलने के बाद स्नान घाट आता है, यहां आप स्नान अवश्य कीजिए, पूरी यात्रा का थकान आपको दूर कर देगा प्रभु जी, और यह एक यादगार लम्हों में से होगा, आप इसे अपने पूरी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। अब यहां से स्नान के बाद तरोताजा होते हुए आप वापस नीचे की तरफ चलते हैं, कुछ दूरी और आगे चलने के बाद बाणगंगा आता है, कुछ लोग यहां भी स्नान करते हैं, आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इन्हें दर्शन एवं प्रणाम करते हुए आगे जा सकते हैं। यहाँ की महात्मा ये है, कहा जाता है कि माता जी के साथ एक लंगूर चल रहा था, जब उन्हें प्यास लगी तो माता जी ने तीर के द्वारा यहाँ एक जलधारा निकाला, और जिसे ही बाद में वाणगंगा का नाम दिया गया। एक अन्य किंवदंती के द्वारा ये माना जाता है कि माता जी ने यहाँ बाल धोया था, अतः ये बाणगंगा हो गया। प्रभु जी अब आप बस स्टैंड के पास आ जाते हैं, अपनी होटल कमरा रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस में आप आराम कर सकते हैं, या अपनी अपनी साधन के द्वारा घर के लिए वापसी का भी प्लान कर सकते हैं प्रभु जी। यदि आप रात्रि विश्राम करते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए आप प्लान कर सकते हैं प्रभु जी। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे शिवखोरी जी यह 80 किलोमीटर दूर है, धनसर बाबा यह 17 किलोमीटर दूर है, नवदेवी मंदिर यह 10 किलोमीटर है, बाबा जी तो यह 15 किलोमीटर की दूरी है, जम्मू में पड़ेगा प्रभु जी, रघुनाथ मंदिर यह जम्मू में है, भानु किला यह भी जम्मू में है, बागे बहुफ एक्वेरियम यह जम्मू में है, तथा तवी नदी यह सारे देखने लायक है, एवं पटनी टॉप जो 90 किलोमीटर की दूरी पे है। आप इन सबको 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा रुक के आप यहां घूम सकते हैं प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा हो। हमने इन सभी जानकारियों को आपको बता दिया। अब बात करें इस यात्रा में कितना समय लगा, सिर्फ वैष्णो देवी आने और जाने में 2 दिन का समय पर्याप्त है प्रभु जी। यदि आप वैष्णो देवी के बाद शिवखोरी या पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो इसका ख्याल आप अवश्य रखिएगा। आप वैष्णो देवी यात्रा के खर्चे की बात करें तो एक सामान्य यात्री को धर्मशाला में रहना, लंगर में खाना, पैदल चलना तो 1000 या 1200 से ज्यादा नहीं पड़ने वाला है प्रभु जी।
आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये जानकारी बहुत पसंद आया होगा। अतः आप कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रभु जी ओम नमः शिवाय।